हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके पहले जीवधारियों का जंतु वैज्ञानिक वर्गीकरण के बारे में हमने पढ़ा था। आज जो है पुनः जो है सजीवों के वर्गीकरण के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे इसमें देखेंगे जीव जगत का वर्गीकरण, यहाँ टॉपिक हमने दिया है जीव जगत का वर्गीकरण। तो इसमें जीवों का वर्गीकरण जो है कैसे किया गया, प्रारंभ में पूरे पृथ्वी पर जितने जीवधारी पाए जाते हैं, प्रारंभ में अरस्तु ने जीवधारियों को, सजीवों को उनकी संरचना के आधार पर, कुछ लक्षणों के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा। एक जो है जंतु जगत, जंतु समूह, और दूसरा जो है वनस्पति समूह। जीवधारियों को समूहों में, प्रारंभ में अरस्तु ने जीवधारियों को दो समूहों में बांटा, जंतु समूह और वनस्पति समूह। अरस्तु के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि अरस्तु जो है जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है और जंतु विज्ञान का भी जनक है। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक और जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है। तो अरस्तु ने सर्वप्रथम सजीवों को या जीवधारियों को दो समूहों में बांटा, जिसे जंतु समूह और वनस्पति समूह कहते हैं। पुनः कैरोलस लीनियस ने जंतुओं को जो है दो जगत में बांटा, जंतु जगत, वनस्पति जगत। उसके बाद से दो जगतों के बाद तीन जगत पद्धति आई, तीन जगत के बाद चार जगत, चार जगत के बाद पांच जगत। सबसे प्रचलित जो पद्धति थी वो अब पांच जगत पद्धति थी। अब पांच जगत पद्धति में वर्गीकरण करने वाले वैज्ञानिक थे आर एच वी टैकर। 1961 ईस्वी में द्वि जगत पद्धति, तीन जगत पद्धति, चार जगत पद्धति को जो है पीछे छोड़ करके इन्होंने अपना विभाजन शुरू किया, पांच जगतों में जीवधारियों को बांटा, जिसे पांच जगत पद्धति कहते हैं। तो इसके पांच किंगडम, जगत को अंग्रेजी में किंगडम कहा जाता है। तो पांच जगत पद्धति, प्रश्न पूछता है कि पांच जगत पद्धति कौन कौन सी है, पांच जगत पद्धति की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए उदाहरण दीजिए। तो पांच जगत पद्धति आर एच वी टैकर ने 1961 ईस्वी में प्रस्तुत की थी। इसके अनुसार पांच जगत कौन कौन से हैं, तो पहला आता है, जगत का मतलब किंगडम, तो पहला किंगडम, किंगडम, किंगडम पहला किंगडम है मोनेरा, पहला किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, अगला किंगडम है फंजाई, और चौथा किंगडम है प्लांटी, और पांचवा किंगडम है एनिमेलिया। ये पांच जगत पद्धति है। आर एच वी टैकर नामक वैज्ञानिक ने 1961 ईस्वी में पृथ्वी पर उपस्थित समस्त सजीवों यानी जीवधारियों को पांच जगतों में बांटा, जिसे जगत, जगत मोनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई, जिसके अंतर्गत कवक आते हैं, जगत प्लांटी पादप जगत,
और जगत एनिमेलिया नाम दिया, जिसे कहते हैं जंतु जगत या प्राणी जगत। पांच जगत पद्धति है, जगत मुनेरा, जगत प्रोटिस्टा, जगत फंजाई या कवक फफूंदी, जगत प्लांटी या पादप जगत, जगत एनिमेलिया या जंतु जगत। ये जो है आपके पांच जगत पद्धति है, जिसे अंग्रेजी में उन्होंने कहा था किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब इन पांच जगतों में कैरेक्टर देखेंगे कौन कौन से जंतु आते हैं। सबसे पहले एक किंगडम मुनेरा, किंगडम मुनेरा जीव जगत का वह वर्गीकरण है, इसमें जो है यू प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया। जगत मुनेरा में प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया। प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो का मतलब प्रिमिटिव, प्रिमिटिव का मतलब होता है आरंभिक या प्रारंभिक। पृथ्वी पर जब निर्जीवों से सजीवों की उत्पत्ति हुई, जो सजीव बने तो उनकी कोशिका जो थी वह प्रिमिटिव थी, आरंभिक कोशिका थी, अभी वेल डेवलप नहीं थी। क्योंकि इस प्रकार के प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है केंद्रक तो पाए गए, लेकिन केंद्रक के बाहर केंद्रक आवरण यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया गया, और न ही प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग ही पाए गए। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग जैसे माइटोकांड्रिया, गाल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम्स, लाइसोसोम्स, प्लास्टिड, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, ग्रेन्यूल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोशिकांग नहीं पाए गए। इसके बारे में आपको डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका विषय में बता चुके हैं कि प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है, यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है और उसमें अंतर क्या है। तो हमने बताया कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतुओं को रखा गया है। इसके अंतर्गत आने वाले जो जीवधारी हैं वह साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया का मतलब होता है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी आते हैं। इसके अलावा जीवाणु आते हैं, कुछ स्लाइम मोल्ड्स होते हैं। तो इसके अंतर्गत अति सूक्ष्म जीव एक कोश की प्रोकैरियोटिक वाले, और जिसके अंतर्गत हमने एग्जांपल में बताया ब्लू ग्रीन एल्गी, जो साइनोबैक्टीरिया जिसे कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन एल्गी, नील हरित शैवाल। तो उन शैवालों, नील हरित शैवाल कई प्रकार के होते हैं, जैसे नास्टार, एनाबीना, एसिटुलोरिया, ये नील हरित शैवाल है। कभी कभी पूछ देता प्रश्न कि दो नील हरित शैवालों के नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे नास्टार, एनाबीना, एसिटुलोरिया। जब पूछ देगा साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं उदाहरण दीजिए, तो साइनोबैक्टीरिया का मतलब नील हरित शैवाल, नील हरित शैवाल का मतलब आपका नास्टार, एनाबीना। एग्जाम्पल में आपका हो जाएगा इसमें जीवाणु और नील हरित शैवाल, स्लाइम मोल्ड्स, नास्टार, एनाबीना इत्यादि इसमें जीवधारी आते हैं। इसे जगत मुनेरा कहा गया है। उसके बाद आता है किंगडम प्रोटिस्टा, इसमें भी एक कोशिकीय जंतु आते हैं, इसमें भी एक कोशिका वाले जंतु और इसमें भी एक कोशिका वाले जंतु। अंतर दोनों में यही है कि इसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल वाले जंतु आते हैं, कोशिका वाले जंतु आते हैं, जबकि इसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जंतु इसमें आते हैं। दोनों में ही एक कोशिकीय जंतु आते हैं, सूक्ष्म जीव है। ऐसे सूक्ष्म जीवों को जो है माइक्रोस्कोप के द्वारा ही अध्ययन किया जा सकता है, लेकिन इसमें प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जंतु, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले एक कोशिकीय जंतु आते हैं। यूकैरियोटिक कोशिका वाले में एक कोशिकीय जंतुओं में आपको संघ जो है फाइलम, फाइलम प्रोटोजोआ आता है, प्रोटोजोआ एक कोशिकीय। किंगडम प्रोटिस्टा में जो है एक कोश की यूकैरियोटिक कोशिका वाले जंतु आते हैं और इसके अंतर्गत जो है प्रोटोजोआ संघ आता है, एक लंबा समूह है। प्रोटोजोआ संघ का मतलब जैसे हमने, आप लोगों ने नाम सुना होगा अमीबा,
पैरामीशियम, यूग्लिना, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम बाइबैक, एंटमीबा, स्टोलिटका, एंटमीबा, जंजीवेलिस, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके अंतर्गत जंतु आते हैं प्रोटिस्टा संघ में। तो क्या समझे, इसमें प्रो यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जंतुओं को समावेशित किया गया है जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ संघ के प्राणी आते हैं, यूग्लिना, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, प्लाज्मोडियम बाइबैक, एंटमीबा, स्टोलिटका, एंटमीबा, जंजीवेलिस, प्लाज्मोडियम मलेरियाई इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तो दोनों में अंतर है, एक कोश की जंतु भी है, एक कोश की जंतु भी है, और इसमें प्रोकैरियोटिक अंतर है, इसमें यूकैरियोटिक कोशिका वाले जंतु आते हैं। उसके बाद आता है किंगडम फंजाई यानी कवक। किंगडम फंजाई में यह भी एक प्रकार का पादप है, लेकिन इसमें जो है क्लोरोफिल का अभाव होता है, अर्थात क्लोरोप्लास्ट नहीं पाए जाते हैं, लवक नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण ये पौधे जो है सफ़ेद होते हैं, अन्य कलर के होते हैं, इसमें हरा भाग नहीं पाया जाता, अर्थात क्लोरोफिल नहीं होता है, इसमें जो है स्वयं जो भोजन बनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। ये जो है परपोषी हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। अन्य पौधे जो होते हैं उसमें हरित लवक क्लोरोफिल पाए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के फलस्वरूप अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन फंजाई में ऐसे जंतु आते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ऐसे पौधे आते हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते, अपने भोजन के लिए अन्य सड़े गले पदार्थों पर निर्भर होते हैं। तो फंगस के अंतर्गत ऐसे जीवधारी आते हैं कि वे जीवधारी जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, दूसरे जीवधारियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। अर्थात ये जीवधारी, ये पौधे, ये कवक अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से बनाते हैं। तो इसमें क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल या हरित लवक नहीं पाया जाता। हरित लवक न पाए जाने के कारण ऐसे पौधे जो है परजीवी कहलाते हैं। यदि हरित लवक होता तो ये भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर लेते और अपना जीवन जो है अपने अनुसार जो है बना सकते थे, चला सकते थे। तो इसके अंतर्गत जो है कवक आते हैं। कवक के अंतर्गत कुछ एग्जाम्पल है आपका एगरिकस जिसे छतरक कहते हैं, मशरूम, एस्पर्जिलस जो है इसके अंतर्गत, कंचक गांव में पाया जाता, लकड़ियाँ सड़ते हुए आपने देखा होगा, लकड़ियाँ जब सड़ती हैं तो उस पर एक प्रकार की फफूदी चमड़े के जैसे उगती है, अचार मुरब्बों पर ये उगते हुए पाए जाते हैं, ईस्ट इसका उदाहरण है, जहरीला एस्पर्जिलस है, अनेक प्रकार राइजोपस है, और मशरूम तो आप सब्जियां बनाकर खाते होंगे। तो ये सभी जो है आपका कवक के अंतर्गत आते हैं और ये सड़े गले भोजन, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन बनाते हैं। मार्केट में टमाटर को सड़ते हुए, सेब को सड़ते हुए, या घर पर जो है चमड़े, भीगा हुआ चमड़े को सड़ते हुए, लकड़ियों को सड़ते हुए, अचार मुरब्बों पर जो है रेशे जैसे सफ़ेद जो है नील चढ़े हुए धागे के जैसे अचार मुरब्बों पर रेशे दिखाई देते हैं, उन्हें जो है हम कवक कहते हैं। तो कवक अनेक प्रकार के होते हैं। इसके बाद से तो एक कवक ऐसा है जिसे जो है एगरिकस या छत्रक यानी मशरूम जो होता है जिसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ कवक जो है लाभदायक होते हैं, कुछ कवक हानिकारक भी होते हैं, नाना प्रकार के रोग भी फैलाते हैं। उसके बाद से आता है किंगडम प्लांटी यानी पादप जगत। इसमें जो प्लांटी में जो है हरे पौधे आते हैं, हरे शैवालों से लेकर के विशालकाय प्राणी तक, यानी आपका वालवास क्लैमाइडोमोनास एक कोशिकीय पौधों से लेकर के विशालकाय सिनकोना और बरगद, पीपल, आम जितने भी पौधे आते हैं इसके अंतर्गत एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी आते हैं, छोटे से लेकर के बड़े पौधे तक। यानी ऐसे पौधे जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं वह प्लांटी के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे जिसमें जो हरित लवक पाए जाते हैं, जो पौधा हरा होता है तो समझिए उसमें हरित लवक है, और हरित लवक है तो अब सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके अपना भोजन मंड के रूप में बना लेता है। तो इसके अंतर्गत सभी विकसित पौधे सूक्ष्म से लेकर के विशालकाय पौधे जो है आम, महुआ, लीची, बरगद, सिनकोना, यूकेलिप्टस इत्यादि वगैरह पौधे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आता है किंगडम एनिमेलिया, जिसके अंतर्गत जो है सारे जंतु आते हैं, सारे प्राणी आते हैं, यानी
प्रोटोजोआ संघ प्राणी को छोड़ करके उसके बाद जितने भी बहुकोशिकीय प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, गाय हो, भैंस हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, बकरी हो, चिड़िया हो, नाना प्रकार के केचुआ हो, मछलियाँ हो, पक्षियाँ हो, सारे प्रकार के कीड़े मकोड़े जो है इसमें आते हैं। जंतु जगत में जो है जीवधारी जो है परपोषी होते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते पादप के जैसे, और ये इसे विषम पोषी भी कहा गया है। यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन को जो है पौधों से ही प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से पादप जगत का वर्गीकरण, जंतु जगत का वर्गीकरण हम अलग अलग आगे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर सजीवों का वर्गीकरण था, सजीवों का वर्गीकरण के विषय में बताया गया। इस प्रारंभ में जो है अरस्तु ने दो समूहों में सजीवों को बांटा, पादप समूह और जंतु समूह। उसके बाद से कैरोलस लिनियस ने जीवधारियों को दो जगतों में बांटा, जंतु जगत, पादप जगत। उसके बाद से जो है विभिन्न प्रकार के वैज्ञानियों ने तीन जगत, चार जगत पद्धति भी जो है में बांटा जीवधारियों को। उसके बाद से आर.एच. व्हिटेकर ने जंतुओं को जो है पांच जगत पद्धति में बांटा, जिसे फाइव किंगडम सिस्टम कहते हैं। आर.एच. व्हिटेकर का यह वर्गीकरण था। आर.एच. व्हिटेकर ने पुनः सुन लेंगे, आर.एच. व्हिटेकर ने जीवधारियों को 1961 ईस्वी में पांच जगत में बांटा, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमेलिया। ये पांच जगत पद्धति है। इसके विषय में इसके कैरेक्टर को हमने बताया, इसके एग्जाम्पल को बताया, इसके लक्षण को आप समझ गए होंगे और इसे कॉपी में नोट कर सकते हैं या कॉपी में लिख करके भेज दिया जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो लिख लेते हैं तो बहुत बढ़िया है, परीक्षा के दृष्टिकोण से इसमें तमाम सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धन्यवाद।